तो गाइस आज अर्ली मॉर्निंग, सुबह मॉर्निंग से ही मेरी ब्लॉग स्टार्ट हो गया, किचन से नहीं हुआ। यहाँ मैंने नहावा के आ गई तो मैं अपने बालों को, पूजा मेरा हो गया था, पूजा करने के बाद मैं बालों को अपने खोली हूँ सुखाने के लिए। तो यहाँ मैं थोड़ा सा बालों को पोछों से अपना सही कर लेती हूँ, कुम कर लेती हूँ, फिर मैं चलती हूँ किचन में, क्योंकि अभी ये है बाबू को भी उठाना है। तो आज मैंने सोचा चलो आज सुबह मॉर्निंग से ही रूटीन स्टार्ट हो जाती है। यहाँ मेरी मॉर्निंग, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग स्टार्ट हो गया। सुबह मॉर्निंग इस समय बजे 7, आज संडे है, आज संडे को मैं थोड़ा लेट ना आई हूँ, थोड़ा सा पर्दा वर्दा रात का भी हुई थी, उसको धोना था, वो सब करके तभी आई हूँ। अभी मैं ब्लैक टी अपना पी रही हूँ, आप लोग को दिखा दूँ, और मैं जब पानी पीती हूँ ना उसी गिलास में ले लेती हूँ ब्लैक टी, ये देखिए, इसलिए सोचती हूँ इसी पानी पी हूँ तो इसी में चाय भी पी रहा हूँ। तो चलिए अभी देखिए, आज मेरे बच्चे एकदम खुरापा सुबह सुबह उठ गए हैं, जल्दी जल्दी बिस्तर में ही है, और रात को फैन बहुत तेज चलता है उसके हाथ का। तो चलिए अभी ब्लॉग के साथ बने रहिएगा, ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो प्लीज़ अगर चैनल पर नए हो फटाफट विजिट करिए, सब्सक्राइब शेयर सब्सक्राइब। तो चलिए पी लेते हैं, शरारत स्टार्ट कर दिया है, और शाम तक अगर पिटा जाएगा तो आप लोग बताइएगा। मारेंगे, ये मेरा चंगड़ू पंगड़ू है इसका, जाओ ये ब्रश अभी को स्टार्ट कर रही हूँ, उठी है 6 बजे। हाँ सुबह शरारत, गंदा मुंह, गंदा 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 मोबाइल, गंदा गंदा मोबाइल नहीं, गंदा है ये बच्चा, गंदा है ये लोग, गंदे हैं ये बच्चा, गंदा है ब्रश नहीं किया, देखिए लार में कहीं ना तो गाइस यहाँ पे मैं आ गई किचन में, और किचन में मैं चली हूँ अब चावल का पापड़ बनाने। तो मैं दिखा दे रही हूँ आपको, यहाँ मैंने अपने बैगनों को रख दिया है, जिसमें मैं इसमें 3 से 4 कटोरी पानी, 5 कटोरी मैं डालूंगी, और इसे डालने के बाद पानी को मैं डाल दूंगी। तो आराम से मैं दिखा रही हूँ 2 ही कटोरी, लेकिन मैं डाली हूँ पूरा 5 कटोरी, 5 कटोरी ये छोटी इस कटोरी। अब इससे 1 कटोरी में भर के चावल, ये जो चावल के आटे का, चावल का आटा है, सॉरी चावल का आटा है, उसे मैं 1 कटोरी उसमें ऐड करूँगी, और ऐड करने बाद आप लोग को दिखाऊँगी किस तरीके से मेरा कितना पापड़ ढेर सारा बन जाता है। थोड़ा सा गिर गया तो यहाँ पर निकाल रही थी, क्योंकि हाथ से कैमरा है एक हाथ में, इससे काम कर रही हूँ तो ये नेचुरल बातें गिर सकती थी। यहाँ मेरी देखिए मेरी पानी 5 कटोरी जो थी, और अब मैं इसे धीमे धीमे एक दो पूरी अच्छी तरीके से मिला दूंगी, क्योंकि कहीं गुठलियाँ ना बन जाओ, गुठलियाँ बन जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए मैं इसे अब धीमे धीमे इसके हेल्प से धीरे धीरे इसे मिक्स कर लूँगी। और अब ये गुनगुना भी पानी हो रहा, धीरे धीरे पक स्टार्ट हो जाएगा पकना भी, तो मैं आपको ये देखिए मिक्स होने लगा, और आपको खोलते पूरे पानी में डालने से ना मिक्स अच्छे से नहीं हो पाएगा, इसलिए धीमे धीमे आप मिलाने के लिए बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हैं। तो देखिए अब पकना स्टार्ट हो गया। अब जब ये पकना स्टार्ट होता है ना, तो इसे कंटिन्यू आपको चलाना है, एक भी बार हाथ को अपने इधर उधर नहीं हटाना, क्योंकि इसके बाद ये पकते समय ना इसकी गुठलियाँ ज़्यादा बनती है। तो चलिए सब देखिए पके, यहाँ मैंने डाल लिया था अपना जीरा, और जीरा लाल मिर्च और काली मिर्च थोड़ा सा पिसा हुआ मैंने डिब्बे में रखे थे, उसे मैंने डाल लिया। अब इसके बाद मैंने इसमें नमक डाल दी हूँ, और नमक डालने के बाद फिर से मैं इसे अच्छे तरीके से पकाऊंगी, और इसे इतना पका देना है कि ऐसा ना हो कि आपका टूटे या ख़राब हो इस तरीके से। तो आपको पूरी अच्छे तरीके से इसे पका लेना है, पकाने के बाद ये देखिए अच्छे तरीके से ठीक होने लगी। अब इसमें पानी अभी कम है, और मैं इसमें पानी अब और भी डालूंगी, क्योंकि उस समय मुझे उतना नहीं अंदाज लगा, लेकिन आप भी उस हिसाब से देखिएगा कि अगर आपके भी थिक बहुत ज़्यादा होने लगेंगे तो आप इसे। और यहाँ देखिए अब मैं आ गई हूँ छत पे, और मैं इसे जो हमारी ये प्लास्टिक का जो होता है पेपर, उस पे आप डालिए तो बहुत अच्छे तरीके से छोड़ देता है, इसीलिए मैं इसी को फैलाई हूँ। इस पे देखिए बहुत अच्छे तरीके से ऐसे आप फैला के अच्छे से पापड़ बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करिएगा, नहीं तो बीच से फट सकता है, क्योंकि है तो चावल का ही आटा, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा सोच रही थी थोड़ा मोटे में ही दिखना चाहिए, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं, बहुत पतला भी नहीं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए आप लोग इन्जॉय करिए, तब तक मैं पापड़ बनाती हूँ, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। से
यहाँ पे देखिए मेरे चावल के भी पापड़ पड़ गए, कितने ढेर सारे बन गए एक कप चावल में। मैं तब तब के बना रही हूँ, अब चली हूँ नीचे, इसको लेती हूँ, चलूँगी नीचे। कपड़ा लाई थी बाल्टी के, रख के चली गई, अब चलती हूँ मैं इसे लेके नीचे। और यहाँ मेरा पापड़ हो रहा है, कल वाला पापड़ भी धोपी में डाल देती हूँ, धूप में डालने से वो भी सूख जाएगा साथ। कहाँ पे ये साड़ी के कपड़े नहीं है, यहाँ टब तो है नहीं। चलो भैया साड़ी पे ही करके डाल देते हैं। यहाँ पापड़ तो बहुत अच्छे तरीके से सूख गए हैं, बस थोड़ा सा और धूप लगा दूंगी तो बहुत अच्छे तरीके से। देखिए आवाज़ कितनी ज़्यादा इसमें आ रही है, कड़ 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 की आवाज़ आ रही है, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से सूख गए हैं। तो यहाँ पे मेरे पापड़ ये भी सूख गया, उसके बाद ये नीचे चला जाएगा क्योंकि सूख गया है। और चावल वाला भी दो दिन कम से कम सूखना ही पड़ता है, क्योंकि ये होता है थोड़ा सा मन में रहता है कहीं होना जाए। तो चलिए चलते हैं, देखिए मैंने छोला बनाया तीन से। बज रहे हैं शाम के 4 और मैं छोला बना दी हूँ। अभी पापा गए हैं कहीं बाबू को लेके घूमने, तो हमारे ब्लॉग स्टार्ट हो गए। तो यहाँ पे दी आज संडे है, संडे के दिन पापा घर में अक्सर आ जाते हैं, या कभी कभी जाते हैं, सुबह जाते हैं दोपहर तक आ जाते हैं। तो यहाँ देखिए ये बर्तन अभी पड़ा है, गीता जी भी आएंगे और मैं चल रही हूँ। देखती हूँ पापड़ है जो ऊपर पहले कल डाले थे ना, कल वाला सूख गया, आज चावल वाला भी सूख रहा है। तो इसको मैं एडजस्ट करती हूँ, कैसे कहाँ करती हूँ सोचना पड़ता है। नहीं ऐसा होता है कि जब अंधेरा अंधेरा से लग ये पापा लाए थे कि आप लोग को चना दिखा रही हूँ, चना खा रही हूँ। बाबू कल गया था सब्जी लेने, तो उसको ये नई चीज़ दिखी, ऐसे तो चना आता है घर में बट वो भुना वाला आता है जो पक जाता है वो वाला, ऐसे चना नहीं देखा था। वो पेड़ मम्मी लगाई थी, वो आप लोग भी देखे थे, बट इतना बड़ा बड़ा नहीं था। और उसको ये सब चीज़ देख के नया लगा, तो वो लेके आया था, बोला मम्मी खा कर ट्राई करना। जाइए दीदी के साथ। चीनी वाले डिब्बे में चीनी यहाँ भरा देना। तो यहाँ पे मैं अपने पापड़ को सारे रख दे रही हूँ, और मैं इसमें वॉइस को म्यूट नहीं की हूँ। जो भी है आप लोग के सामने है, कोई बनावटी नहीं है, इसीलिए मैंने वॉइस को म्यूट नहीं किया। और मैं यहाँ पे सारे इसे रख के ना, एक बाल्टी जो सामने मैं ग्रीन कर रही हूँ, इसमें सारे चिप्स पापड़ वगैरह जो भी हो इसी में रखूँगी। और किचन में ये हमेशा इसी में रहता है, क्योंकि किचन में यूज के लिए है। होली के समय सभी लोग आते हैं जाते हैं, तो ये किचन में रहता है, यहाँ से तुरंत निकालना करना आसान होता है। तो इस झोले में रख दूँगी, झोले में रखने का मतलब क्या कि एक जगह झोले में करके बाल्टी में डाल दूँगी तो वो पड़ा रहेगा, नहीं तो इधर उधर इधर कई डिब्बे हो जाते हैं। इसलिए मैं चिप्स पापड़ की बाल्टी ही बना रही हूँ, उसमें सारा चीज डाल देती हूँ। तो चलिए ये सब करने के बाद अभी मैं देती हूँ।
ये सब मेरा काम हो गया ख़त्म। अब मैं चली हूँ, थोड़ा सा फ्रिज को भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने पकड़ पकड़ बार बार खोलते हैं तो गंदे हो जाते हैं। तो यहाँ मैं साफ़ कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोग से। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दी मैंने। इस समय रात के वजह हैं 7:30 और मैं अपना वो धो ली थी अभी कपड़ा, देखे यहाँ पर रखा हुआ धोने के लिए। और बट पहले से मैं धो ली थी ये पर्दा, कल मैं भिगोई थी धो ली थी। अब चली हूँ मैं पर्दे को पहले लगा लेती हूँ। 3 पर्दे मेरे हैं, ऊपर से आए हैं कपड़े, तो पहले चलिए मैं पर्दा लगा लेती हूँ, उसके बाद फिर आप लोग से बात करती हूँ। तो चलिए मैं लगा लेती हूँ पहले पर्दे, उसके बाद मैं बात करती हूँ। बेबो ये वो चेयर ले आइए, हम पर्दा लगाए डीजे हमको पकड़ाइए। तो चलो पर्दा को सही करके दो। तो यहाँ पे ये इसका, यहाँ से मैं निकालूंगी और जाऊँगी दो पकड़ के बेटा पर्दे को, दो सेट करके दे दो। बाबू आप क्या कर रहे हो, लिख रहे हो टीवी देख के। यहाँ पे मैं लगा लेती हूँ पर्दा, उसके बाद पर्दा लगाने के बाद, क्योंकि बाहर वाला जब मैं लगाने गई तो वहाँ पे पापा आ गए थे, क्योंकि इस समय पापा थे नहीं, तो मैं सोची चलो लगा ले और मुझे अच्छा नहीं लगता था इसीलिए मैं बाहर का छोड़ दी। तो बड़ी बेटी आई वो लगाई और यहाँ ये पर्दे लगा होगा कि अब सही, फिर दूसरा वाला धोऊंगी, दो करके धुलूंगी ना, तो आराम से धुला जाएगा। लगा लेती और बेटी यहाँ पे मेरी मदद करी, कहते हैं ना ये काफ़ी ज़्यादा मेरी मदद करी, छोटे छोटे काम जो भी होते हैं करना होता है कर लेती है, तो साथ में लगी रहती है। और एक गेट पे दो पर्दे तो लगते ही हैं, ये तो ऑटोमेटिक बात है। तो यहाँ से देखिए मैं एक पर्दे पहले लगाती, फिर सेकंड वाला भी मैं लगा दी और सेकंड वाला लगा के अब मैं फिर चलूँगी अब बाहर का लगाने। तो बाहर का लगाते समय आ जाते हैं पापा, फिर वहीं रुक जाता है काम, रुक जाता है, फिर मैं लग जाती हूँ अपने किचन में। और मुझे सर्दी जुकाम सा लग गया है, मौसम चेंज हो रहा है, मैंने खा ली थी दही। तो आप लोग, मैं बोली थी ना आप चाहे कुछ भी डिसीजन ले ली। तब यहाँ देखिए मैं कढ़ा पीने जा रही हूँ, तो ये कढ़ा हमारा आया है बाहर से गुजरात से हमारे लिए। तो इस कढ़े को पहले मैं चली हूँ बनाऊँगी, एक कप आधा कप ये बड़े वाले कप से आधा कप खोलता हुआ पानी है गर्म, अब उसमें मैं काट के इसे डालूँगी इसका। और जैसे चाय मिलते हैं उस तरीके से इस कढ़े का बनता है फ्लेवर, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा। बस इसमें क्या फ्लेवर सबसे ज़्यादा अच्छा है कि ये नमक की मात्रा इसमें है और बहुत ही अच्छा इसका यूजफुल है, इतना अच्छा है कि मैं आप लोग से क्या बताऊँ। मैं जब भी स्टार्टिंग मेरी होती है सर्दी या जुकाम कुछ ऐसा लगता है, मैं